हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आए हम बराती बारात लेके, और हम लोग बारात लेके गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जनवासे हैं, मतलब ये हम लोग अभी जनवासे में हैं, और यहाँ पे कुछ लोग अभी रेडी हो रहे हैं, और अभी हम लोग बारात लेके निकलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूँ कि हम लोग रायबरेली से बारात लेके कानपुर आए हैं, और ये गेस्ट हाउस का नाम है स्वागत गेस्ट हाउस। और बहुत ही अच्छा रेजिडेंट था, मतलब रियल में बताएं बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जन्माष्टमी का नाश्ता हो रहा है, तो देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ, बारातियों सब टूट पड़े हैं खाने को लेकर के, नाश्ते को लेकर के, क्योंकि ये हो रहा था। हम लोग काफ़ी लेट भी हो गए थे, क्योंकि आज 8:15 बजे हम लोग बारात लेके पहुँचे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता सब लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पेस लेने के लिए हम लोग अंदर आ गए थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड के ये सब फ्रेंड्स हैं, मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलवा के खा रहे थे। और ये बगल में प्रिंस भी मेरे बैठे हैं, तो प्रिंस अकेले थे तो हमारे साथ ही ये बैठ के खा रहे थे। और बस यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब जन्माष्टमी का टचअप दिया जा रहा था, तो यहाँ दूल्हे जी को भी सामने देख सकते हैं, तो सबका थोड़ा सा हम टचअप दे रहे थे। तो फाइनली हम लोग चल दिए हैं बारात के लिए, और यहाँ पे बाराती इतने भुक्खड़ है कि बारात में नाचने के पहले खा पी रहे हैं। हद है यार। तो फ्रेंड्स, हैं ये बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, बहुत डांस किया था, और सच बता रही हूँ तो इतना ज़्यादा किया था कि हम लोग थक गए थे। और यहाँ पे हम लोग बारात लेके पहुँच घुस चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि दुल्हन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, हम लोग की तो नज़र टिक गई थी यार, सच बता रही हूँ। ये इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी वाकई, मतलब ये दोनों मेड फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए ही बने थे, बहुत ही अच्छा कपल था हम लोग का। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जयमाल पड़ चुका था, और मैं आपको बता दूँ कि जब यहाँ पे जयमाल पड़ रहा था, तो उसके बाद इनकी मम्मी जो थी, रिया की मम्मी जो थी, वो हमको मिल गई थी। और वो इतनी अच्छे नेचर की हैं, वो जैसे ही मुझे देखी वैसे ही मुझे गले लगा ली, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो आंटी इतना प्यार दे रही थी मुझे, मतलब रियल बता रही, बहुत अपना वाला फीलिंग आ रही थी, लग नहीं रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। या अंकी जी हैं, रिकॉर्डिंग कर रही हैं। हाय हाय, ये भैया फोटो मैन है, हमारे कैमरा मैन है, मेरी एक को फोटो नहीं खींचते हैं। सृष्टि आयुष चैनल को लाइक एंड फॉलो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे डीजे था, तो यहाँ पे मेरा लोग का जो फ्रेंड सर्किल था, सब डीजे पे टूट पड़े, और यहाँ पे फिर से टावर टोड़ हम लोग का डांस शुरू हो चुका था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ भी दोनों साथ में डांस कर रहे थे। एक्चुअली हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, हस्बैंड वाइफ तो हम लोग दूसरा स्टेप है, मगर सबसे अच्छे, सबसे पहले तो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। यहाँ मेरी दुलारी मोही है, और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये मेरी सिस्टर की लड़की है, और ये बहुत क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और हम इसके साथ खूब छेड़छाड़ करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों लोग रोमांटिक सॉन्ग पे डांस कर रहे थे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। उतने ही बीच में मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी मुझे मिल गए।
यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी लेट हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पे फटाफट हम लोग खाना खाए और उसके जस्ट ही बाद यहाँ पे शादी की तैयारी होना शुरू कर दी है, हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं दुल्हन मंडप में बैठ चुकी है और यहाँ पे डाल का सामान निकाला जा रहा है। यहाँ पे जो डाल का सामान होता है सारी चीज़ें पंडित जी चढ़ा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, डायट हम लोग यहाँ पे उसके बाद हमने विदाई का सूट किया है और डायट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग घर पे आ चुके हैं, विदा हो चुकी है, दुल्हन घर पे आ चुकी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, आपको अभी मेरे चेहरे से पता चलेगा कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 3-4 दिन पहले से ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आपको विश्वास मानिए पूरी रात भी नहीं सोते, 3-4 रात मैं नहीं सोई थी। और ये मुझे आप देख सकते हो जैसे लग रहा था मेरे मुँह पर थप्पड़ कोई मारा हो 10-20 हो, तो मतलब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी क्योंकि मेरा गला पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था 3-4 दिन जग करके। पर यहाँ पे बात ये था कि दुल्हन को तो हम विदा करके लेके आए थे तो डांस क्यों नहीं बनता है, तो लास्ट में फिर से एक बार एनर्जी को बूस्ट किया फ्रेंड्स। हम लोगों के यहाँ जब दुल्हन आती है तो परछन होता है, तो वो आप लोग के यहाँ भी होता होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो मतलब नेक ओक था वो सब दिया जा रहा था, जो भांगड़ा वाला था वो सब अलग मांग रहे थे, मतलब आप सामने लो शादी करके आओ तो बड़े खर्चे रहते हैं, तो वो सब होने के बाद यहाँ पे फाइनली एंट्री कर देती है दुल्हन, मतलब रिया जी, ये दुल्हन का नाम रिया जी है। और मैं आपको बता दूं बस यहीं पे मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखा करिए। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।